देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को संदेश देने का काम किया। आपको बताते चलें कि आने वाले समय में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों को संदेश देने के लिए, साथ ही उनके सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर सभी विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों को संदेश देने का काम किया। इस दौरान मुरादाबाद शहर के सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए स्क्रीन लगाकर काम किया गया, जहां पर सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। शहर के सभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रधानमंत्री के संदेशों को सुनने के लिए विद्यार्थी काफी उत्साहित दिखाई दिए। सभी बच्चे प्रधानमंत्री की बातों को कागज पर नोट करते हुए दिखाई दे रहे थे। विद्यार्थियों का ये कहना था कि आज हमें प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर अच्छा लगा और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम परीक्षाओं को ठीक ढंग से देने का काम करेंगे। विद्यार्थियों का ये भी कहना था कि उनके द्वारा ये संदेश दिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल इसको त्योहार की तरह मनाने का काम करें। आप जब त्योहार मनाते हैं तो खुशियों के साथ मनाते हैं, ऐसे में इन परीक्षाओं को भी त्योहारों का रूप दें और परीक्षाओं को उत्साहपूर्वक दें। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद जानकारी देते हुए बताया, मैं 12th सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दूंगी एंड 12th के बाद वी हैव टू क्रैक जेई एंड जेई एडवांस एंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट ऑफ कोर्स एक कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आज ये परीक्षा पर चर्चा रखा गया है ताकि हम अपने एग्ज़ाम्स को लेकर कभी स्ट्रेस ना हो, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करें और जो भी जा रहा है जैसा भी जा रहा है पास को ना ध्यान रखते हुए फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर पेपर बुरा भी हो रहा है, सबका होता है, इंडिया में इतने बच्चे हैं जिनका बुरा भी जाता है, बट लाइफ रुक नहीं जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर जी आज हमें यही सब सिखा रहे हैं, वो हमें यही बता रहे हैं कि कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करें, कैसे एक एग्ज़ाम या फिर एक मार्कशीट पे अपनी लाइफ को डिसाइड ना करें एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर योर मार्क्स। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, जो हम एग्ज़ाम के टाइम हर किसी को जो स्ट्रेस होता है, जो नर्वसनेस होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया आजकल ऑनलाइन सब कुछ माध्यम हो गया है, उसमें हम सोशल मीडिया ऐप्स से जो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। आपका क्या मानना है? मेरा नाम सुहानी खरे है। हमारी परीक्षाएं 27 अप्रैल से शुरू हो रही हैं और आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात सुन पा रहे हैं और उससे हम लोग कुछ प्रेरणा ले पा रहे हैं। हम लोग को बहुत स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, हम लोग को लगता है कि हम लोग एडिक्टेड ना हो जाए किसी चीज़ों से, तो उस पर हम बहुत खुश हैं कि हमें मोदी जी की गाइडेंस मिल रही है जिससे हमारी लाइफ में बहुत हमें आगे जाकर खुशी मिलेगी और बहुत हमारी मोटिवेशन मिलेगी। मेरा नाम प्रज्ञा गुलाटी है। मैं इस बार 12th की परीक्षा देने जा रही हूँ और यहाँ जो मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, मैं उन चीज़ों को नोट कर रही हूँ ताकि वो आगे इन फ्यूचर मेरे काम आए। क्या मानती हैं आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा इस कार्यक्रम से? इससे मुझे एग्जाम्स में शायद स्ट्रेस नहीं होगा और मैं रिलैक्स होकर एग्जाम्स दे पाऊँगी। और आपका क्या मानना है, क्या क्या बताया जा रहा है और क्या आपके मोनी से? मोदी जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें अपना मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम को ऐसे प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना है, फेस्टिवल की तरह मानना है एग्ज़ाम्स को। एग्ज़ाम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर स्टूडेंट की लाइफ में, उन्हें अच्छे से करना है, ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने पीयर प्रेशर नहीं रखना है जो हमारे ऊपर है। इस बार 12th की बोर्ड्स की बहुत टेंशन है, बट अपने आप को परेशानी में नहीं करना है, प्रॉब्लम में नहीं लाना है, आराम से एग्ज़ाम्स देने हैं, अपना शेड्यूल तैयार करना है अच्छे से। सर, इट्स अ प्रोग्राम ऑन परीक्षा पे चर्चा इन विच आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। इन दिस प्रोग्राम बेसिकली आर प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट एग्जाम फियर एंड द स्ट्रेस स्टूडेंट्स आर फेसिंग। तो क्या मानते हैं कि इसमें क्या समझा गया आपको? Basically, the thought that Prime Minister has conveyed that a student should not take tension or a burden on his or her mind. He should give his paper with full and relaxed mind, and the parent should also not expect a result from his child. A child must do his paper up to his full potential. आपकी क्या तैयारियाँ हैं? Sir, my preparation is up to the mark only.